नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस अधीक्षक विजय के दिशा निर्देश पर अवैध कच्ची शराब और शराब माफियाओं की धरपकड़ के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के चलते कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र में आबकारी विभाग के द्वारा भारी मात्रा में छापेमारी के दौरान क्षेत्र के ही ग्राम मुड़ागाली, दरियावाज, ग्राम फुलेकिया, ग्राम गाँव में नदी के किनारे बने गन्ने के खेतों में भारी मात्रा में लहन बरामद कर मौके पर नष्ट की गई। वह लगभग 40 मीटर अवैध कच्ची शराब भी मौके से बरामद की गई। गोमती नदी के किनारे कई जातियों को नष्ट किया गया है और दरियावाद गुलेरिया गांव में दबिश डाली गई है। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि इस समय विशेष अभियान आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। खबर चंडीगढ़ से है। किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब ये भाव 340 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बाजार में चीनी के भाव पर्याप्त नहीं है, फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए गन्ने का भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसलों की बिजाई को देखते हुए किसानों की मांग पर पहले 5 जिलों में कृषि जाएगा। क्षेत्र की बिजली सप्लाई बढ़ाई गई थी और तो अब पलवल और सिरसा जिले में 8 के बजाय 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि मेडिकल कोर्स की फीस में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। असलियत में गलत प्रचार है। वैसे तो क्योंकि बाजार में चीनी के भाव अभी पर्याप्त नहीं है, फिर भी क्योंकि किसानों की मांग है, इसलिए इस बार हमारे जो किसान बंधुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि 10 रुपया क्विंटल इस बार जो रेट है वो उनके बढ़ाए जाएंगे। अभी तक जो रेट 340 रुपये प्रति क्विंटल था उसको 350 रुपये क्विंटल किया गया है और ये हमारा जो रेट है पूरे देश में सर्वाधिक है। हाईएस्ट रेट ऑफ शुगर केन ये हरियाणा देश। खबर यूपी के बांदा से है। पूरा मामला बांदा का है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची गला घोटू और पेट दर्द की बीमारी से पीड़ित थी, जिसका इलाज उसके परिजनों के द्वारा मौजूदा नर्सिंग होम में कराया जा रहा था। वहीं पूरी जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि बच्ची काफी समय से बीमार चल रही थी और बीते 10 दिनों पहले उन लोगों से मौजूदा नर्सिंग होम के उपचार के लिए लाए थे, जहां पर डॉक्टर भूपेंद्र के द्वारा बच्ची का इलाज किया जा रहा था और डॉक्टर के कहने के अनुसार बच्ची को प्रतिदिन सुबह और शाम 55 इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। धीरे धीरे बच्ची की हालात बिगड़ने लगी और उसने घर में खाना खाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी हालात और बिगड़ गई। और जब बच्ची को लेकर अस्पताल लेकर आए और डॉक्टर ना होने की वजह से मजबूरन शहर के दूसरे डॉक्टर के पास उपचार के लिए जाना पड़ा, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले बच्ची ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद भी जब परिजन उस डॉक्टर के पास पहुंचे और बच्ची के विषय में बताया तो उन्होंने दवाइयों को देखते हुए कहा कि आपकी बच्ची की मौत हैवी डोज के इंजेक्शन लगने की वजह से हुई है। फिर भी सहमत ना हुए तो वो अपनी बच्ची को लेकर जिला अस्पताल गए और वहां डॉक्टरों का मिला जुला ही जवाब रहा। वापस नर्सिंग होम जाकर इस बारे में बातचीत की तो वहाँ की स्टाफ द्वारा परिजनों को अभद्रता करते हुए वहाँ से भगा दिया गया। पेट में दर्द हुआ अचानक, फिर वहाँ ले गए उनके यहाँ आर के सर के यहाँ, आर के सर ने वो कराया, जांच करवाई, कह रहे थे कि हार्ट इंजेक्शन लग गया बच्ची के। उस दिन लाई फिर से, बताया डॉक्टर साहब इसके पेट में दर्द होता, ये गैस बनती होगी, ये है, अरे नहीं था तो कम से कम बता देते, मैं दूसरी जगह ले जाती दिल्ली कानपुर। ये दवा दी मैंने रात को, खिलाया लड़की मेरी, रात भर करती जम नहीं हुआ। हमारे संज्ञान में नहीं है, ये संज्ञान में आएगा तो हम इसकी जांच कराएंगे और यदि इस तरह की कोई बात है, कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। खबर पंजाब के पठानकोट से है। किसानी संघर्ष और केंद्र द्वारा रोकी गई ट्रेनों को लेकर पंजाब की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है कि हर एक राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार विरोध के बावजूद अपने फैसले पर अटल दिख रही है। ऐसे में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादला द्वारा बयान जारी किया गया है,
जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार कर रहा है और ऐसे भाजपा के पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल ने बयान देते हुए कहा कि जब तक अकाली दल का भाजपा के साथ गठबंधन था तब तक सब ठीक था, लेकिन अकाली दल को ऐसा क्यों लग रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस मौके उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया और केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपना दिल बड़ा करे और देश 60% अनाज उगाने वाले इन किसानों की बात सुने और उन्हें राहत दे। केंद्र सरकार कोई आदमी सपने ची भी सोचे कि मतरिया व्यवहार क्यों करेगी पंजाब नाल। केंद्र दी सरकार पंजाब दी हित दी सरकार है, वो क्यों बुरा व्यवहार करेगी। दूसरी अदब नाल बेनती करना चाहना, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल सारी जिंदगी ऐसे एनडीए का हिस्सा बने रहे ने जिदी अजकल सरकार है केंद्र च। खबर पंजाब के धूरी से है। धूरी के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल को स्मार्ट बनाया गया, वहीं जिसका उद्घाटन धूरी के विधायक दलवीर सिंह गोल्डी ने किया। इस मौके एसडीएम लतीफ मोहम्मद भी उनके साथ थे। विधायक ने कहा कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर फील्ड में आगे है और इसका श्रेय स्कूल के अध्यापकों और स्कूल की मेहनती प्रिंसिपल को जाता है। स्मार्ट स्कूल बनने से विद्यार्थी को काफी लाभ होगा। विधायक ने कहा कि स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि स्कूल के बच्चे कहीं बाहर ट्यूशन नहीं जाते बल्कि स्कूल के अध्यापक ही उन्हें अधिक मेहनत कर पढ़ाते हैं और उन्होंने ट्यूशन की बच्चों को जरूरत ही नहीं पढ़ने दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले इलाके के प्राइमरी स्कूल की दशा बदली गई है और काफ़ी सुधार किए गए हैं क्योंकि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिन्हें हर एक फील्ड के मल्ला मारिया ने तो ये बधाई दे पात्र साढ़े वीना पल्ला मैडम प्रिंसीपल साहब तो पूरी जेडे साढ़े टीचर साहबान ने सारे इस दे बधाई दे पात्र ने। तो अज मैं तो खास तौर पर साढ़े एस डी एम साहब असी इतने पहुँचे हैं जी। स्मार्ट स्कूल का जोड़ा इनैगरल फंक्शन सी एम साहब वालों किया गया फंक्शन साढ़े इतने गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स स्मार्ट स्कूल के तौर पर माननीय एम एल ए साहब वालों उद्घाटन किया गया। इतने आके जो चीज़ा बच्चिया ने कही जो इतने की स्टूडेंट है तो जो टीचर साहबान ने दस एम एल ए साहब ने भी इस स्कूल की गल की है वो बहुत ही शलाघायोग है जिस लैवल से यह स्कूल चल रहा है जिम्मे गल ट्यूशन की मांग करिए साइंस के टीचर। खबर चंडीगढ़ से है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नवनियुक्त चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संगठन से अलग उन्हें पहली बार सरकारी तौर पर नई जिम्मेदारी दी है जिसको वो पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया और पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन को हरियाणा सिविल सचिवालय की 8वीं मंजिल कमरा नंबर 46 स्थित उनके कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते समय समय पर संगठन ने स्थानीय स्तर से लेकर के और प्रांत स्तर की जिम्मेवारी देकर के जो काम दिया हुआ था और वर्तमान में संगठन से अलग पहली बार सरकार की किसी जिम्मेवारी पर ये मुझ पर दायित्व आया है इसके लिए। खबर यूपी के बिजनौर से है। पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के जलीलपुर का है जहां अज्ञात चोरों द्वारा देर रात्रि ज्वेलरी शोरूम में कंबल लगाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। बता दें कि ये शातिर चोरों ने शोरूम का सीसीटीवी कैमरा तोड़कर शोरूम में रखे लगदी सही सोने चांदी के जेवरात की लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोर चोरी करके मौके से फरार हो गए और सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई थी। सूचना पर पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की और शोरूम स्वामी के मुताबिक जहां चोरी की कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है वहीं पुलिस 3-4 लाख की चोरी की घटना बता रही है। बिजनौर एसपी ने इस मामले के खुलासे के लिए स्थानीय पुलिस सहित 4 टीमें लगाई है, पुलिस जिसका जल्द ही खुलासा करने की बात कर रही है। रात को लोग करीब 1 बजे आए, आने के बाद में कुम्भ लगाया, कुम्भ लगाने के बाद में इसमें से अपना उन्होंने अपना काम शुरू किया। जो चांदी बार काउंटर में जो रुपया कैश और जो आपके जितना है घड़ी वड़िया सब वो भर के अपना ले गए। लगभग कितने की चोरी है? लगभग 10 लाख रुपए की, 60,000 कैश है। थाना चांदपुर के जलीलपुर गांव में कमल सैनी के दुकान से आज नकब लगा करके चोरी हुआ है।
इसमें 3-4 लाख रुपए के चांदी के जेवरात और 10-12 हज़ार रुपए की घड़ी चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ फोटो आई है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। स्वाट टीम, स्थानीय पुलिस बल, 2 अन्य टीमें लगाई गई हैं। घटना का शीघ्र ही पर्दाफाश किया। बने रहे देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।